भक्ति श्रद्धा और लोगों का जो भाव है बाबा के लिए वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो तस्वीरों में देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, सब लोग हाफ टी शर्ट्स में भी हमें नजर आ रहे हैं, आपने भी कोई जैकेट नहीं ओढ़ी है, तो मौसम काफी साफ हो गया है, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आ रही है डोली को केदारनाथ धाम पहुंचने में। बिल्कुल गीतिका, अभी तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ के जितने भी लोगों से मैंने बात की, यहाँ पर मौसम को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। संभवतः मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर बारिश हो रही है, अगर हम मान के चले, हो सकता है मेरे कैमरामैन जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ इतना अनप्रेडिक्टेबल है मौसम। और आपने बात की लोगों की, तो क्योंकि ये लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, करीब 18 किलोमीटर की चढ़ाई है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम की, तो जाहिर सी बात है इतनी लंबी यात्रा करते हैं, 5 से 6 घंटे पैदल चलते हैं तो गर्मी लग जाती है। हल्की हल्की धूप भी यहाँ पर खिली हुई है, उतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन मैं मानकर चल रही हूँ जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे ठंड होगी। और वेदर फोरकास्ट की भी बात करें तो आज करीब -1 डिग्री तापमान रात को जाने वाला है। गुंजन, एक बार थोड़ा प्रोसेस भी बता दीजिए, किस प्रकार से डोली उठती है, किस प्रकार कितने पड़ाव पार करने होते हैं, कितना दुर्गम चोटियों से होकर गुजरती है यात्रा। बिल्कुल वैभव, क्योंकि केदारनाथ को माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे श्रेष्ठ, और इसीलिए बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जो दुर्लभ रास्ते हैं उनसे होकर लोग गुजरते हैं और बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं। इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बताना भी चाहूंगी, लेकिन तब तक आप तस्वीरें भी देखते रहिए, हमारे दर्शक भी देखते रहेंगे किस तरीके से बाबा की जो डोली है 6 मई को विग्रह ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से चली है, गुप्त काशी पहुंची, उसके बाद 7 मई को बाबा केदार की डोली गुप्त काशी से रवाना होकर फाटा पहुंची, 8 मई को केदारनाथ की डोली फाटा से रवाना हो चुकी और गौरीकुंड कल रात को यहां पर आ गई थी। अब से कुछ देर पहले हमारे ऊपर की ओर जाने से पहले ही डोली ऊपर की तरफ निकली है, जो कि आज करीब मैं मानकर चल रही हूं 2 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, और कल सुबह 7 बजे पूरे परंपरागत रूप से कपाट केदारनाथ धाम के खुल जाएंगे। देखिए, अपने आप में बहुत खास होता है वैभव, जब इन लोगों की आस्था सबसे ऊपर नजर आती है, बाबा केदार के दर्शन के लिए जितने लालायत हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है 18 किलोमीटर। आप सोचिए खड़ी चढ़ाई जो लोग चढ़कर जाते हैं उनके मन में कितनी ज्यादा आस्था रहती होगी, रास्ते भी बहुत आसान दुर्लभ रास्ते हैं जिन पर होकर जाना इतना आसान बिल्कुल नहीं माना जाता। साथ ही साथ डोली के बारे में भी मैं आपको बता दूं, बाबा केदारनाथ की डोली होती है 5 मुख वाली होती है, चांदी की डोली जिसके अंदर बाबा केदार की चांदी की भोग मूर्ति विराजमान होती है, जो कि 6 महीने के लगभग ओंकारेश्वर रहती है और 6 महीने केदारनाथ धाम में रहती है, और गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में ही वहां पर इसकी पूजा की जाती है। अब जो मूर्ति है वो पहुंच जाएगी बाबा केदार के धाम, तो वहां पर दर्शन होंगे, पूजा पाठ होगी और ये नजारा देखने को मिलेगा। मैं जरा बात कर लेती हूँ, थक गए बहुत। कितनी आस्था है बाबा केदार? बहुत ज्यादा। पहली बार जा रहे हैं? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो अभी लग रहा है अभी तो बहुत लंबा ऊपर तक चढ़ कर जाना है। जी बहुत लंबा है, बस उनका आशीर्वाद है, पहुँच जाएंगे आराम से। आप लोग कहाँ से हैं? उत्तरकाशी पिलखुआ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पहली बार आ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। आप? हम हापुड़ से हैं। हापुड़ से? उत्तर प्रदेश। अच्छा, वो मोमेंट कैसा होगा जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और आपको दर्शन मिलेंगे? सबसे बढ़िया दर्शन, मन की खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी मन की खुशी, जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। सबसे गौरवपूर्ण पल होगा जो मुझे बाबा के मिलेंगे, और जो हमारा ये प्रोग्राम बना है बाबा के आशीर्वाद से ही बना है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ तक आया हूँ, अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपने मित्रों के साथ आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से हैं, मिर्जापुर। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ? पहली बार आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, इतने सारे लोग हैं, देखिए एक जयकारा तो बनता है, और ये तो मुझे वो ट्रैकिंग वाली पूरा ड्रेस में भी नजर आ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। गुंजन, ये महसूस तस्वीरों ने ये सिद्ध कर दिया, जैसे कि आपने पहले भी दिखाया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। आपने ये जरूर दिखा दिया कि इस बार युवा भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो चारधाम यात्रा में केदारनाथ की यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि दुर्गम रास्ते और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं।
तो आपको ग्राफिक से थोड़ा समझा देते हैं कि 6 मई को जब मुखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की चल विग्रह डोली निकली और गुप्तकाशी पहुंची, तो फिर 7 मई को गुप्तकाशी से फाटा के लिए बाबा केदार की डोली रवाना हुई थी। जी हाँ, देखिए 8 मई यानी बीती शाम को ही फाटा से गौरीकुंड पहुंची बाबा की डोली, और 9 मई यानी आज जो है गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली केदार धाम के लिए रवाना हो चुकी है। तो वहीं आज शाम तक बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर परिसर में पहुंच जाएगी, फिर कल यानी 10 मई शुक्रवार को सुबह 7 बजे विधि विधान से पूजा के बाद कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।